गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपके द्वारा प्रश्नावली 9.3 का 10th क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसमें आपसे कहा ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र वाई अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो वाई अक्ष में आपको केंद्र कहा गया है, तो यहाँ कहीं पर भी हमने केंद्र ले लिया, जरूरी नहीं कि वो मूल बिंदु को टच करे, ठीक है। मैंने ऐसे बनाया है, तो आपका ऐसा भी बन सकता है कि वाई अक्ष में केंद्र है तो इस टाइप का वृत्त भी बन सकता है। इसका केंद्र आपका 0, B है, ठीक है, मान लिया हमने, या 0, K भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस की बात है, तो वाई एक्सिस में केंद्र क्या होगा, 0, H या K। तो इसमें क्योंकि x वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, x एक्सिस वाले में 0, तो इससे जाने वाला वृत्त क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3 है। अब आप ऊपर से लिख लीजिएगा, माना वृत्तों के कुल का समीकरण जिसका केंद्र वाई अक्ष पर है तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बराबर आपने लिखा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, जहाँ वृत्त का केंद्र आपका क्या हो जाएगा, 0, K, राइट। अब इसमें क्या है आपका, एक ही अननोन टर्म है, एक ही अचर पद है आपका यहाँ पर स्विच, तो आप एक के सापेक्ष अवकलन करोगे इसका, x स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये मैंने आपको कल इस टाइप का क्वेश्चन 6 सिखाया था, एक बार अवकलन करना और इस वैल्यू इसमें आप समीकरण में एक में रख के इसको सॉल्व करना, एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ देंगे। अब इसी में आपका नया टॉपिक है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का व्यापक रूप, यानी आपको अवकल समीकरण से व्यापक रूप प्राप्त करना है, व्यापक हल प्राप्त करना है। अब उनकी अलग अलग मेथड होगी। पहला रूप है आपका प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का व्यापक रूप। इस वाले क्वेश्चन में इस टाइप में क्या होगा, आपका जो रूप होगा वो इस टाइप का होगा, dy/dx = f(x,y)/g(x,y), या dx/dy वाला टर्म भी हो सकता है इसमें, f(x,y) और g(x,y)। तो आपको इस टाइप के अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए x वाले टर्म को dx के साथ लेना होगा और y वाले टर्म को किसके साथ लोगे, dy वाले टर्म के साथ लेके आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पर कह रही हूँ, dy/dx = आपके पास है x+2/y+2, सपोज़ ये है। अब ये dy/dx आप इसमें x वाले टर्म आसानी से dx के साथ कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, y+2/dy = x+2/dx, राइट। अब दोनों पक्षों में इसका क्या कर लीजिए आप, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में इसके बाद आप इसका क्या करोगे, समाकलन करोगे, ठीक है। अब y के सापेक्ष क्या होगा, y²/2, और 2 कांस्टेंट है, 1 का कितना हो जाता है y, यहाँ हो जाएगा 2x+2 2x² x² 2 + 2x + c। तो इस टाइप से आपने इसको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, किसमें, प्रथम कोटि और प्रथम घात। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके प्रथम कोटि के ही यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप x और y वाले टर्मों को चर पदों को अलग अलग करके समाकलन करोगे। अब कुछ प्रश्न जैसे हैं, प्रश्नावली 9.4 का पहला है, dy/dx = 1 - cos x / 1 + cos x, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस टाइप के फॉर्म के लिए मैंने बताया था cos 2x के ऐसे फॉर्मूले यूज़ करोगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। 1 कैंसिल होने के बाद जैसे हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, 1 + 2 sin² x/2 / 1 + 2 cos² x/2 - 1, राइट। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, sin² x/2 / cos² x/2। तो ये होता है आपका कितना, tan² x/2, राइट। फिर tan² का आपने समाकलन तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आप उसे क्या लिख सकते हो, sec² x/2 - 1, ठीक है। अब हम क्या, ये किसकी वैल्यू चल रही थी, dy/dx की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से अब क्या बनेगा, dy = आपके पास हो जाएगा sec² x/2 - 1 × dx। अब आप दोनों पक्षों में क्या कर दोगे, समाकलन करोगे, sec² x/2 dx - 1 dx। sec² का 1 का y के सापेक्ष y हो गया, sec² x का क्या होता है, tan x होता है, राइट। x/2 है तो 1/2 आएगा, तो 2 इसके इंटू में, -x + c।
ठीक है। सेकेंड वाले में डी वाई के नीचे रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर करोगे और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फिर इसी में थर्ड में आप क्या करोगे, पहले वाई वाले टर्म को उधर ले जा लो, वाई को उधर ले जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस वाई। फिर आप वाई वाला एक साथ लिखेंगे, डी वाई अपॉन वन माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक मेथड तो है कि वन माइनस वाई को आप टी मानो, अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आपने पढ़ा है कि वन अपॉन एक्स प्लस ए का हमेशा जो समाकलन होता है वो लॉग एक्स प्लस ए होता है, राइट। इसी में ऐसी करके वन अपॉन ए माइनस एक्स होता है तो इसका समाकलन, क्योंकि एक्स के आगे माइनस साइन है तो माइनस लॉग एक्स ए माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर एक्स वाले टर्म में या वाई वाले टर्म में माइनस साइन है तो जो समाकलन होगा उसमें भी आपका माइनस साइन आएगा। ऐसे ही फोर्थ वाले में आपको क्या करना है, फोर्थ में आपका देखिए क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल टू, आप इस टर्म को इधर ले जा लीजिए, माइनस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, क्योंकि वाई और एक्स वाले टर्म अलग अलग करते हैं, यहाँ डी एक्स है तो एक्स वाले एक साथ लिखिए, sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स माइनस sec स्क्वायर वाई अपॉन टेन एक्स टेन वाई डी वाई। इसमें पहले वाले में आप टेन एक्स को टी मान लीजिए, अगर यहाँ टी मान लिया है तो यहाँ टेन वाई को अब आप कुछ और मानोगे, उसको टी नहीं मानोगे, फिर आपका वन अपॉन टी का फॉर्म हो जाए। पहले समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद टी मान के उसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। इसी में मैं अब आपको एक इलेवंथ क्वेश्चन सिखा देती हूँ। इलेवंथ में आपसे कहा है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यदि एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर क्या है वन। तो इसके लिए ये देखिए सारे टर्म एक्स में है, ये भी एक्स में है, तो हम डी वाई इक्वल टू पहले क्या लिख लेंगे इसका, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर अगर आप फॉर्म देखते हैं, यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, ऊपर की घात छोटी है नीचे की घात बड़ी है, तो आप ये परिमेय फलन का फॉर्म बन रहा है तो आंशिक भिन्न का रूप होगा, यहाँ पर छाट गया हमने आंशिक भिन्न है, तो आंशिक भिन्न के लिए ऊपर का हाथ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, पहले से ही है, तो हम नीचे हर के क्या करते हैं पहले गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन, यहाँ से लास्ट के दो पदों से वन कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वन, तो अब क्या बन गया आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।